नमस्कार बच्चों, मैं रिश्ता चौधरी आपका आपके यूट्यूब चैनल YS मैथ्स क्लासेस का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज इस वीडियो में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्यू डिस्टेंस। इसमें जो मेन वर्ड आपको दिया गया इक्यू डिस्टेंट, इक्यू डिस्टेंट का मतलब क्या होता है कि इक्वल डिस्टेंट पर है फ्रॉम द पॉइंट 2, -5 एंड -2, -9। जब आप एक्स एक्सिस की बात करते हैं तो ऑन एक्स एक्सिस आपके कोऑर्डिनेट्स आप लोग को लिखना होगा। तो क्या होगा, ऑन एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई की वैल्यू जीरो होती है। तो कोई भी कोऑर्डिनेट अगर आप इस पर लिखेंगे तो x,0 लिखेंगे। अभी x,0 टू पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है। कौन कौन से पॉइंट से आपके, 2, -5 एंड -2, -9, इनसे इक्वल डिस्टेंस पर है। तो आप क्या करेंगे, आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए, इन दोनों का डिस्टेंस और इन दोनों का डिस्टेंस आपको इक्वल रखना है। तो x -2 होल स्क्वायर + 0 और ये आपको क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 5 होल स्क्वायर और इसका क्या होता है वर्गमूल। इक्वल में क्या हो जाएगा आपका, x +2 होल स्क्वायर + 0 -9 होल स्क्वायर। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए। तो जब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो इसके स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा। तो आपका इधर रह जाएगा x -2 होल स्क्वायर + 0 + 5, आपका 5 हो जाएगा, x + 2 होल स्क्वायर और 0 - 9 करेंगे तो -9 होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इनके स्क्वायर्स के फॉर्मूला अप्लाई करने हैं। तो x -2 का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो x² हो जाएगा, +2² करेंगे तो 4 - 2, 2 = 4x, 5² क्या होता है 25, = क्या हो जाएगा x² + 2² क्या हो जाएगा 4 और 2, 2 = 4x, ये प्लस में आ जाएगा। -9 का जब आप स्क्वायर करते हैं, चाहे वो प्लस की संख्या है चाहे माइनस की है, तो स्क्वायर ऑलवेज आपका प्लस में ही जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 9² = 81। अब देखिए यहाँ पर x² पॉजिटिव है और इधर भी x² पॉजिटिव है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। x की टर्म्स आप एक साइड कर लीजिए, 4 से 4 कैंसिल कर दीजिए, तो -4x। अब ये 4x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और इक्वल में क्या हो जाएगा 81 और ये 25 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो -4x और -4x माइनस का 8x हो जाएगा। अब इसको माइनस कर दीजिए तो 11 - 5 = 6 हो जाएगा और 7 - 2 = 5 हो जाएगा। x की वैल्यू आपको निकालना है तो 56। अब ये -8 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 8 से डिवाइड कर दीजिए तो -7। तो जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उस पॉइंट के x एक्सिस पर क्या हो जाएगा, -7, 0। ये एक ऐसा पॉइंट है x एक्सिस पर जो इस पॉइंट से और इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि टू पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस 10 यूनिट्स है तो y की वैल्यू क्या होगी। तो पॉइंट्स आपको गिवन है 10, y और 2, -3 और इनके बीच का डिस्टेंस आपको 10 यूनिट्स गिवन है। तो यहाँ भी आपको डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो 10 - 2 होल स्क्वायर + y + 3 होल स्क्वायर और इक्वल में क्या आ जाएगा आपका 10 यूनिट्स है, तो ये डिस्टेंस आपका 10 हो जाएगा और इसका स्क्वायर रूट होता है। तो जब आपका स्क्वायर रूट होगा तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, तो इधर का स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और इधर स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड यहाँ पर आप मेंशन करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो उस केस में यहाँ पर आपका स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 10 - 2 8² + y + 3 होल स्क्वायर और इक्वल में 10² हो जाएगा। 8² = 64 होता है। अब इसका स्क्वायर ओपन कर दीजिए तो y² + 3² = 9 और 3 × 2 = 6y और इक्वल में क्या हो जाएगा 10² = 100। अब इन सभी वैल्यूज को एक साइड ले आइए तो आपका एक इक्वेशन बन जाएगा यहाँ पर। तो ये 64 और 9 आपका प्लस हो जाएगा तो y² + 6y, तो 64 में 9 प्लस कर दीजिए 73 हो जाएगा और 100 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इक्वल में आपका 0 हो जाएगा।
वाई स्क्वायर प्लस सिक्स वाई, अब 73 पॉजिटिव है, 100 नेगेटिव है यहाँ पर, तो माइनस का रह जाएगा 27 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स आपको निकालने होंगे, तो इसका जब रूट्स आप निकालेंगे तो 27 को 9, 27 होता है और 9 माइनस 3 करेंगे तो 6 आ जाएगा, तो वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 हो जाएगा माइनस 27 इज इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज कर लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू में 0। अब क्या करेंगे इसके पेयर्स बना लीजिए, तो y कॉमन आ जाएगा यहाँ से तो y प्लस 9, यहाँ से माइनस 3 कॉमन आ जाएगा तो y माइनस कॉमन लेने से प्लस हो जाएगा 9 इज इक्वल टू 0, तो y प्लस 9 और y माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इनको अलग अलग इक्वल टू 0 रख दीजिए, तो y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 9, और अगर y माइनस 3 इक्वल टू 0 करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। तो इस तरीके से y की टू वैल्यूज यहाँ पर आ रही हैं, माइनस 9 और 3, तो ये टू पॉइंट्स यहाँ पर बनेंगे आपके, 10 कॉमा माइनस 9 एक पॉइंट हो जाएगा आपका अगर माइनस 9 की बात करते हैं तो, और एक अगर 3 लेते हैं तो दूसरा पॉइंट आपका 10.3 होगा, जिन दोनों पॉइंट्स की डिस्टेंस 2.-3 से कितना होगा 10 यूनिट्स के डिस्टेंस पर होगा। धन्यवाद बच्चों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर अभी तक आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं।